अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आपके सामने हूँ छोटे से व्लॉग के साथ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं इसके लिए कुछ स्नैक्स रेडी करने लगी थी, और मैंने सोचा कि आपके साथ पहले रेसिपी शेयर करती हूँ तो फिर व्लॉग हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेसिपी है, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए चिकन। आपने चिकन को ले लेना है और चिकन को आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसमें नमक और काली मिर्चें इसमें ऐड कर लेनी है। इसके लिए इसके अलावा आपको एग और एक मेयोनीज और दो शामी कबाब और केचप भी चाहिए, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठे डाल के किसी बाउल में और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैं वैसे नॉर्मली बॉयल एग्स यूज़ करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने ये फ्राई एग्स यूज़ किए हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को आप चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, दो तीन दिन तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपने ब्रेड ले लेनी है, और मैंने उसके कॉर्नर से रिमूव कर दिए थे, अगर आपने नहीं रिमूव करने तो आपकी अपनी मर्ज़ी। और मुझे वैसे कॉर्नर्स ना पर्सनली मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं रिमूव कर देती हूँ उनको। तो आपने ब्रेड पे लगा के और इनको कोई भी शेप दे देनी है जो आपको अच्छी लगे, सूट करे। मैंने इनको ट्राइंगल शेप दी थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए बच्चे ज़रा ईजी होते हैं तो वो ठीक रहती है। मैंने इनको बस शेप दे दी और अब मैं इनको लेके जाऊँगी छत पर, और हम छत पर बैठ के इनको इंजॉय करेंगे। मौसम अच्छा होने की वजह से दिल नहीं चाह रहा था कि नीचे बैठे, तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम लोग छत पे जाओ, मैं सैंडविचेस बना के तो तुम्हारे पास ही आती हूँ। ये इनकी फाइनली शेप आई थी और बहुत ही टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बने थे। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं यूजुअली इनको लंच वगैरह दे देती हूँ स्कूल के लिए, और आजकल तो आपको पता ही है कोविड की वजह से स्कूल सब बंद है और इतनी ख़राब रूटीन हुई हुई है ना, बहुत ही ख़राब रूटीन हुई हुई है बच्चों की। आपको समझ ही नहीं लगता कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, और बच्चों की स्टडीज़ इतनी डिस्टर्ब हैं, लेकिन क्या करें, सबके साथ हमें भी चलना पड़ता है। और मौसम इतना अच्छा था और मैंने सारा मौसम ना मिस कर दिया। बारिश हो चुकी थी और मैं नीचे काम में बिजी थी और मैंने बारिश मिस कर दिया। अब इसके बारिश के बाद इतनी अच्छी हल्की हल्की सी तेज़ हवा चल रही थी, हल्की हल्की नहीं चल रही थी, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही थी। और उसके बाद बस हल्की हल्की बूंदें सी लगी हुई थी जब मैं छत पर आई, तो बच्चे खेल रहे थे और मैं भी इंजॉय कर रही थी और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और आज हमारे घर में हमारे एक छोटे से मेहमान भी आए हैं, ये है मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।